हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबह मोर। मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज एक समर्स का बहुत ही अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक लेके आई हूं, और इस ड्रिंक को ऐसा कोई नहीं है जो कह सकेगा कि मैं नहीं पी सकता हूं। इवन हर कोई पी सकता है, वो थायराइड हो, पीसीओडी वाला हो, डायबिटिक पेशेंट हो, मतलब हर कोई इसे ले सकता है। और बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली आपके बैली एरिया के लिए। जैसे कि क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट वालों को भी बैली एरिया की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी एंड पीसीओएस वालों को, इवन थायराइड वालों को आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद आपको बैली एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करता है, पूरी तरह से उसे फ्लैट कर देता है। क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें डाल रही हूँ, ऐसे हर्ब्स डाल रही हूँ, जिसकी वजह से स्पेशली आपके पेट पे ही वर्क करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेट गेन करने लगते हैं, वजन बढ़ाने लगते हैं, तो सबसे पहले पेट से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद हमारी बाजुओं पे आता है, देन उसके बाद कमर पे जाता है, हमारी थाइस पे जाता है। तो इस तरह से हम पेट गेन करते हैं। और जब लूज होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाथों से जाता है, फेस से जाता है, नेक से जाता है, थाइस से जाता है, लेकिन पेट से नहीं जाता है। तो आज मैं आपको स्पेशली एक ऐसा ड्रिंक लेके आई हूँ जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेट पे काम करेगा, उसके बाद दूसरी एरिया पे काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा फैट बर्नर ये है, इवन मैं कह सकती हूँ इसे टम्मी बर्नर ड्रिंक है ये। और मैंने भी इसे लिया था उस टाइम पे जब मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा था, और लोग भी आश्चर्य करते हैं कि उस स्थिति से लेके आज मैंने आपको यहाँ तक आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दियर वे में। इवन मेरे फेस पे भी कुछ नहीं है ऐसा आया है कि मैं बहुत कमजोर सी लगती हूँ या ये लगता है कि मुझे खाने को नहीं मिलता, देन मैंने उसके बाद वेट लॉस किया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने इतने हेल्दियर वे में वेट लॉस किया है कि फेस का ग्लो भी नहीं गया, मेरे जो है स्ट्रेच मार भी नहीं आए हैं। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कि मैं इतने ज़्यादा से और यहाँ तक आ जाई हूँ और मुझे एक भी स्ट्रेच, इवन सिंगल स्ट्रेच मार्क भी नहीं आया है। मैंने वो ऑयल कौन सा यूज़ किया, इवन वो जो है मैंने घर पे बनाया था, बहुत ही 10-20 रुपए में वो आपको ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आप देख लीजिएगा, आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक के लिए आपको चाहिए यहाँ पे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि आप लेमन जूस बताते हो, जिसके थ्रू जो लोग को लेमन से एलर्जी होती है वो नहीं ले सके। इसीलिए आज मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस या फिर एप्पल साइडर विनेगर आप इस तरह से ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर लेंगे तो उसमें पानी ज़रूर मिलाएंगे। इसके बाद हाफ टेबल स्पून इसमें आपको शहद लेना है, और हमारा मेन और किंग इंग्रेडिएंट है वो है दालचीनी पाउडर। घर पर बनाइएगा, ये मैंने घर पर बनाया। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको घर पर दालचीनी पाउडर बनाना बता दूंगी, क्योंकि ये प्योर है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं ऑरेंज जूस इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि वो जो है लेमन उनको एलर्जी करता है, फिर वो वेट लॉस उतने हेल्दियर वे में नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप ऑरेंज जूस या फिर एप्पल साइडर विनेगर जूस से इस ड्रिंक को रेडी कर सकते हैं और अपने बैली एरिया को फ्लैट। फ्रेंड्स, आपने देखा इस ड्रिंक को बनाना कितना आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली बैली एरिया के लिए। आपका बैली है वो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।